तो यार हमें जातला भाई ढूंढ के जिसने बकरी मारी जात उतारनी है, वो कह रहा है कि यार मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। हमने पता नहीं किस किस का नंबर देखा, पर वो हमें एक नंबर मिल गया जिसने पट्ठे ले कहते, उसने हमें नंबर दिया, कहते हैं कि यार अब 1 घंटे तक आ जाना, फिर 1 घंटे तक वो आएगा ठीक है, आके हमारे बकरे के बाल उतार देगा, मिलते हैं 1 घंटे बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अदरीर खान। यार आज हम अपने बुम्बा के उतारने लगे हैं बाल। हम अंकल को जा रहे हैं भी देखने, पता नहीं अंकल मिलते भी हैं कि नहीं। आज मैं अपने बुम्बा के सारे बाल उतार देने, आपको अपना बुम्बा भी दिखाता हूँ। बुम्बा जो है ना आज गंजा हो जाएगा, मुझे ना आज इसको हम गंजा कर देंगे। ना करो यार, सही तो है। ये कह रहा ना करो, मैं करूँगा। इसके ना बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है देखो, छोटे हैं बाल ना तुम, छोटे नहीं है बड़े बड़े बाल हैं। आज हम यार इसके बाल उतार देंगे, अभी जाते हैं अंकल को ढूंढने, बुम्बा को खाना भी डालें। बुम्बा ये खड़ा है, मैंने इसके सुबह थोड़े से बाल उतारे टांग से, बाकी देखो मैंने बुम्बा ये खड़ा है। खाना डालो यार, ये पत्ते तुम तोड़ के डाला करो, देखो मैं तोड़ता हूँ, तुम पकड़ो इसको बुम्बा को, तुम देखो मैं इसके पीछे, तुम ऐसे ना पत्ते डाला करो इसको, मैं देखता हूँ, देखो ना ऐसे सारे नीचे गिराता है ऐसे, इसको ना तोड़ दिया करो, फिर नहीं नीचे गिराएगा। दोस्तों यार अभी हम जा रहे हैं भाई को, देखते हैं कि यार भाई हमें किधर से मिलता है, क्योंकि इसके बाल उतारने के लिए वो कह रहे हैं बाबा जी इधर बैठते हैं, उनसे पूछ के आते हैं कि यार इसके आप बाल काट देंगे, पता नहीं उधर है भी, क्योंकि आज इतवार है, सुबह का टाइम है। अब हम जाते हैं देखते हैं अंकल मिलते हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और चलते हैं यार देखते हैं, मुझे चलता है देखते हैं यार मोटरसाइकिल में चले, हाँ चलो पैदल ही चलते हैं, मोड़ भी थोड़ा पैदल ही जाना है और। हाँ यार हम जा रहे हैं, देख के आते हैं ये भाई क्या कहता है। अ फ्यू इंचेस लेट। तो यार हमें जातला भाई ढूंढ के जिसने बकरी की मारी जात उतारनी है, वो कह रहा है कि यार मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। हमने पता नहीं किस किस का नंबर देखा, पर वो हमें एक नंबर मिल गया जिसने पट्ठे ले कहते, उसने हमें नंबर दिया, कहते कि यार अब 1 घंटे तक आ जाना, फिर 1 घंटे तक वो आएगा ठीक है, आके हमारे बकरे के बाल उतार देगा, मिलते हैं 1 घंटे बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जैसा कि अभी आपने देखा कि वो ना अंकल जो है ना वो अभी बाल काट रहे हैं, मशीन का ना यार शोर बड़ा, इसलिए ना मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अभी आपने देखा है कि उसके आधे बाल हम मेरे ख्याल से काट चुके हैं, बाकी अभी आपको दिखा दूँ। अभी इसकी ना एक साइड हो गया, ये देखें सारा इसको गंजा काट दिया, और अभी इसकी एक साइड आती है, अब ये एक साइड करने वाले हैं। A few inches late। ओ जी भाई ये बकरा हो गया साड़ा गंजा, से तुम्हारे पे गया हमारे सुल्तान, तुम्हारे पे गया, देखो यार ये बिल्कुल अपने से तो सारा गंजा खा दिया, सिर्फ 5 मिनट पे भाई ने कर दिया जल्दी जल्दी से, स्पीड ही बहुत ज्यादा है गंजा करने की, देखो इसके थोड़े से भी बाल नहीं रहे यार, बड़े छोटा सा लग रहे देखो ना, छोटा सा नहीं लग रहा, उसके बाल थोड़े से आए थे, सही तो लग रहा है तुम्हें, छोटा लग रहा है, सही तो है, छोटे से भी बाल, उसके सारे बाल काट दिए, नाखून ही मारे, हाँ वो इसको ऊपर लेके जाते हैं। अरे जो छोटे छोटे बाल लगे हैं ना इस पे, ये तुम ना ये साफ करो इसको, हाँ थोड़ा ना छोटे छोटे जो बाल लगे हैं ना, जैसे तुम कटिंग कराते हो ना तुम्हारे सर पे बाल लग जाते हैं छोटे छोटे, ऐसे इसके साफ करो जैसे अपने साफ करते हो। अब इसको नहलाना नहीं है, नहीं अभी कहाँ नहलाना, इसको 2 हफ्ते में या कैंची लेके उधर उसके उधर थोड़े से ऊपर जो बाल है ना वो काट देते हैं, जो उनसे कटे नहीं, काटना लग गई और नहीं, नहीं तुम लेके आओ कैंची, जो चलो देखते हैं। तो दोस्तों मैं कैंची ले आया हूँ और ये पता नहीं क्या काट रहा है, 1 मिनट तुम रुको, हाँ यहाँ से दिखाता हूँ दोस्तों, यारी क्या गाड़ है, ध्यान से काटना लगा दी, ठीक है यार बस करो तुम, और उसको थोड़े से बाल हैं उसके रह गए हैं यार, इतने इतने बाल आ गए उसके, वो भी तुम काट ही जा रहे हो, ये वो कह रहे होंगे कितने प्यारे बाल थे मेरे और तुमने सारे कटवा दिए, अभी इसके फिर बाल आ जाएंगे, फिर कटवाओगे क्या? नहीं बस एक बार, हाँ आगे 4 महीनों में फिर ईद आ जाएगी। हमने इसको ना पट्ठे डाल दिए हैं ताकि ये हमें तंग ना करे, और हम आराम से इसके जो छोटे छोटे बाल हैं ना वो काट सकें, हाँ हाँ काटो, उसने थोड़े थोड़े ना बाल छोड़ दिए हैं बीच में से, वैसे सही काटे हैं माशाल्लाह से, अंदर से भी ना सही निकला, बहुत प्यारा लग रहा है। मुर्गियाँ और डेबिट लेके हैं, उनको दिखाते हैं, ये इनका दोस्त गंजा हो गया, उनको लेके वो पता नहीं किधर है, मैं देखता हूँ जाके मिनी जूम। दोस्तों हमारी मुर्गियाँ तो इधर है,
इनको बाहर निकालते हैं, इनको दिखाता हूँ। चलो चलो भाई डालो दोनों, इनको खाना भी डालते हैं। पहले इनको दिखाते हैं इनका दोस्त के क्या हाल हुआ है। भाई डाल गई हैं और वो सीधा ही आई आ रही है यार, इसको देख ही नहीं रहा कोई, मुड़ के देख नहीं। इधर आओ अपने दोस्त को तो देखो, वो देखो आ गए आ गए यार, ये देख ही नहीं रहे उसको। वो कह रहे जो मर्जी इसको हो जाए हमें क्या। अभी हमें छोटा छोटा लग रहा है। छोटा छोटा नहीं यार, सही है, तुम्हें छोटा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने इसको भरना है यार। बढ़ना हवा तो नहीं बढ़नी। नहीं सही है, वैसे भी अभी भी सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको ना 4 महीने अभी पड़े हैं और इसको ना अच्छा कर देंगे। अभी ये डेबिट किधर है हमारे, वो उधर गए पुलिस। ये तो अब हाथ भी नहीं आते हैदर, इतनी मुश्किल से ले के आए उसको। ये देखो इसको यहाँ रख दूँ, कुछ कहेगा तो नहीं। नहीं नहीं इधर रखो, इसको बैठा दो। ये देखो तुम्हारा दोस्त, इसको हमने गंजा कर दिया सारा, और तुम्हें भी गंजा कर देंगे। इसको भी गंजा कर दें आज? नहीं गंजा कर दें। वैसे ही मजाक काटूँ। वो देखें वो नीचे देखी जा रहा है, मैं नीचे चल जाऊँ, मुझे मारने ना लग जाइए। इसको नीचे रख देते हैं, वो डर लग रहा है, वो नहीं देखना चाहता, इसको कोई देख ही नहीं रहा यार। ये लो इसको देखो, वो देखो वो डर रहा है। हाँ वो डर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा यार, हमारी बुम्बे की कटिंग हो गई है, जो बुम्बे को आज उन्होंने पूरा गंजा कर दिया। अंकल आए थे, उन्होंने भाई आए थे, उनको हमने कहा दिया था कि यार इसको कटिंग कर दो, तो उसको ऐसा गंजा करके गया, तो अब मुझे छोटा छोटा लगने लग गया। नहीं मुझे सुल्तान कह रहा नहीं सही है, मैं कह चलो ठीक है। अब यार हम ऊपर ना अपने बुम्बे के जो है नीचे सफाई करते, क्योंकि इसको मक्खियों से बचाना है। आगे अगर मैं कराता ना कटिंग, तो यार इसको मक्खियों ने इसकी मात मार देनी थी कभी इसके। अब तो फिर भी थोड़ी सा मौसम सही है, इसको मक्खियाँ इतनी तंग नहीं करेंगी, फिर भी हम इसको तेल और हल्दी लगाएंगे लाजमी, क्योंकि इसको मक्खियाँ तंग ना करें, मक्खियाँ तंग करेगी तो यार कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।